हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नैना। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, क्योंकि मेरे कई सब्सक्राइबर्स ने पूछा है कि हिमालय विंटर डिफेंस मॉइस्चराइजिंग क्रीम क्या सारी स्किन टाइप को सूट करता है, इसको लगाने से कहीं पिंपल्स तो नहीं आते हैं, क्योंकि आजकल सारी क्रीम सारी स्किन टाइप को सूट नहीं करती, भले उसमें क्यों ना लिखा हो कि ऑल स्किन टाइप है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस क्रीम के क्या क्या इफेक्ट्स हैं और किस स्किन टाइप को ये सूट करती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसकी मेन पैकेजिंग से। जैसा कि आप देख रहे हो, ये इसकी मेन पैकेजिंग है और ये इसी में आता है, जिस पर इसकी सारी डिटेलिंग है। और इसके तीन मेन की इंग्रेडिएंट हैं, जिसमें होब ऑयल, वीट जर्म एंड आलमंड ऑयल, जो कि इफेक्टिवली स्किन पर वर्क करते हैं, विंटर सीजन में स्किन को मॉइस्चराइज रखते हैं। और ये 50 ml का पैक है, जिसका प्राइस है 75 rupees, और इसकी लाइफ स्पैन है 3 साल तक। तो आप इसे 3 साल तक आराम से इस क्रीम को यूज़ कर सकते हैं। और इसके माइनर जो इंग्रेडिएंट्स हैं, उनकी डिटेलिंग आपको यहाँ से पील करके मिलेगी, जिसमें इन्होंने ऑनेस्टली मेंशन किया है कि इन्होंने मिथाइल पैराबिन, प्रोपाइल पैराबिन को यूज़ किया है, जो कि एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं लोग क्रीम की लाइफ को बढ़ाने के लिए, क्योंकि इनका टाइम अगर 3 साल तक है तो इन्हें पैराबिन को यूज़ करना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इन्होंने ऑनेस्टली इन्होंने मेंशन कर दिया कि ऐसा है, और आप इसे ड्राई और एक्स्ट्रा ड्राई स्किन टाइप पर ही इसे यूज़ करें। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसके टेक्सचर की। तो आप टेक्सचर वाइज देख रहे हो, ये काफ़ी थिक क्रीम है, और आप इसे जहाँ पर आपकी स्किन ड्राई है, लाइक कि मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है, तो मैं इसे अपने फेस पर नहीं यूज़ करती, ये इसको मैं अपने हाथों पैरों में या नेक पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर आपको फील होता है कि आपकी ड्राई है या एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है। और अगर आपकी ऑयली या कॉम्बिनेशन है तो प्लीज़ आप इस क्रीम को मत यूज़ करिएगा। लेकिन अगर मॉइस्चराइजेशन की बात करें तो ये क्रीम अच्छे से आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़र देती है, और लॉन्ग टाइम तक अराउंड 5 to 6 hours तक ये अच्छे से उसको मॉइस्चराइज रखती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप ड्राई एक्स्ट्रा ड्राई के लिए देख रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छी क्रीम है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं, बट कॉम्बिनेशन टाइप या ऑयली स्किन के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपको इस क्रीम का रिव्यू ख़त्म करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और या फिर आपके लिए कुछ भी इसमें इन्फॉर्मेटिव रहा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।